नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज का ताजा मुद्दा। गोरखपुर में योगी को चुनौती देने वाली कौन है शुभावती शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें सपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। शुभावती शुक्ला गोरखपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी हैं। शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उपाध्यक्ष और उससे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। 2017 में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर भाजपा ने शुक्ला को 2018 में उम्मीदवार बनाया था। शुक्ला यह चुनाव सपा गठबंधन के उम्मीदवार से हार गए थे। 2019 में भाजपा ने उपेंद्र शुक्ला की जगह भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला को मैदान में उतारा था, जिसको लेकर उनके परिवार का आरोप है कि लंबे समय तक उपेंद्र ने जिस पार्टी की सेवा की उसके नेता अब उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। बता दें कि मई 2020 में ब्रेन हैमरेज के कारण शुक्ला का निधन हो गया था। शुभावती 20 जनवरी को लखनऊ में अपने दो बेटों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ जैसी कमजोर और असहाय महिला को सम्मान दिया। मैं उनसे रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत दर्ज करने का वादा करती हूँ। बता दें कि आजाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आजाद भी योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीएसपी ने पुराने कार्यकर्ता ख्वाजा शमसुद्दीन को सीएम के सामने चुनौती पेश करने को कहा है। धन्यवाद।